नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मैं नाम अमित सिंह, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा की तरफ से जो है आप लोग का एक सुरक्षा प्रहरी के पद पे जो है नई भर्ती निकाली गई थी और इसके लिए जो आप लोग का आवेदन है वो यहाँ पे लिया गया था। तो अभी दोस्तों उनके लिए जो बड़ी अपडेट है, जिन भी छात्रों ने यहाँ पे आवेदन किया था सुरक्षा प्रहरी के लिए, उनके लिए अपडेट ये निकल के आ रही है कि आप लोग का जो एग्जाम डेट और आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो कब यहाँ पे जारी होने वाला है, इसको लेकर जो है ऑफिशियल नोटिस आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है। बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी में जो है आप लोगों बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने यहाँ पे आवेदन किया था, तो सभी के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे कब से जारी होने वाला है, कब से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, इसका आप लोग का पूरा जो ऑफिशियल नोटिस है वहाँ पे जारी हो चुका है, डेट आप लोग का जारी हो चुका है। तो सभी छात्र जो है इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप लोग वहाँ पे पता चल सके कि कब आप लोग वहाँ पे जो एग्जाम है वहाँ पे होने वाला है और कब जो आप लोग का एडमिट कार्ड है वहाँ पे जारी किया जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना उसका शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चले शुरू करते अपना आज के वीडियो। तो बिहार विधानसभा की तरफ से जो है ऑफिशियल आप लोग का कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो नोटिस है वहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो नोटिस है वहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है बिहार विधानसभा सचिवालय, यहाँ पे आप लोग का विज्ञापन संख्या 1/2023 जो कि आप लोग यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी का विज्ञापन था, उसके लिए जो है आप लोग यहाँ पे नोटिस जारी किया गया। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये नोटिस आप लोग कहाँ मिलेगा, जिससे कि आप लोग खुद चेक कर सकें कि कब से कब तक आप लोग यहाँ पे एग्जाम होगा, कब आप लोग का एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे जारी होने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है, सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको जो है इस वेबसाइट पे चले आना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हो गया सरकारी योजना लेटेस्ट जॉब, तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आप लोग को चेक करना है। नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड एडमिट कार्ड 2023। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग यहाँ पे सीधे जो है विधानसभा लिख सकते हैं। विधानसभा यहाँ पे जैसे आप लिखिएगा तो यहाँ पे जैसे आप लिखकर जो है सर्च कीजिएगा तो आप लोग को जो पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पर आप लोग को जो है क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग का पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप जो इस पोस्ट पर आ सकते हैं। फिर आपको नीचे करना है, यहाँ पे मैंने आप लोग को बहुत सारी जानकारी दे रखा है, आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे जो पूरा आप लोग का डेट है वो डेट यहाँ पे आप लोग को डेट देखने को मिल जाएगा कि कब से कब तक एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होगा। आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग को जो है चेक एग्जाम नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक करके आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या जानकारी दिया गया, कब से आप लोग का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है वो आप लोग यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया कि विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि आप लोग यहाँ पे जो एग्जाम लिया जाएगा प्री जो आप लोग यहाँ पे होने वाला है, दिनांक 30/7/2023 को 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपहरण तक एक पाली में पटना एवं मुजफ्फरपुर के स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग का बहाली का जो एग्जाम होने वाला है वो आप लोग का पटना और मुजफ्फरपुर दो जगहों पे आप लोग यहाँ पे होने वाला है। जो भी आप लोग का सेंटर रहेगा उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे एग्जाम होने वाला है और अलग अलग केंद्र यहाँ पे बनाया गया है, अलग अलग जो सेंटर है वो आप लोग यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहला जो आप लोग का प्रथम यहाँ पे जो पाली रहने वाला है, यानी कि फर्स्ट सिटिंग जो आप लोग का रहेगा वो 11 बजे सुबह से लेकर जो है आप लोग का 1 बजे दोपहर तक यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है वो टोटल जो 2 घंटे का आप लोग यहाँ पे एग्जाम होगा और इसमें जो कुल 100 प्रश्न आप लोग यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि कुल जो है 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पे जो है आप लोग का 1 अंक दिया जाएगा और सभी जो प्रश्न होगा वो वस्तुनिष्ठ और यहाँ पे बहुविकल्पी होगा। यानी कि यहाँ पे जो आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन आप लोग का दिया जाता है, कोई भी ऑप्शन जो भी आप लोग को सही लगता है वो आप लोग वहाँ पे टिक करना होगा। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पे जानकारी दिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में जो भाषा का माध्यम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी, जो भी आप लोग यहाँ पे चाहेंगे वो आप लोग का रहेगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यानी कि मान लीजिए कि आप लोग का जो हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, अगर हिंदी इंग्लिश में जो आप लोग का क्वेश्चन है वो मैच नहीं करता है तो ऐसे में इंग्लिश में जो आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वही आप लोग का वैलिड रहेगा, उसी क्वेश्चन को आगे लेकर जो है आप लोग यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आता है तो आप लोग परेशान हो सकते हैं, इस बात का भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे बताया गया कि इस परीक्षा में निमांकित विषय होंगे, सबसे पहले यहाँ पे गणित का प्रश्न होगा जो कि आप लोग का 50 का यहाँ पे होगा, 50 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे जो है गणित विषय से रहेगा, मैथमेटिक्स यहाँ पे रहने वाला है। फिर सामान्य अध्ययन प्रश्न की जो संख्या होगी वो आप लोग का 50 रहेगा, यानी कि यहाँ पे सामान्य अध्ययन का भी यानी कि जनरल नॉलेज का भी आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे होने वाला है। सारा जो आप लोग का एग्जाम होगा वो OMR के माध्यम से यहाँ पे होने वाला है, जो OMR सीट होता है उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। और भी बहुत सारा जानकारी दिया गया, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया है कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो कब यहाँ पे जारी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया, 8 नंबर में यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि अभ्यर्थी सुरक्षा प्रहरी के पद की परीक्षा के लिए अपना जो प्रवेश
पत्र यानी कि जो आप लोगों का एडमिट कार्ड होता है दिनांक 22/7/2023 से बिहार विधानसभा की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट आप लोगों का दिया गया है, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि 22 तारीख से आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वहां पे जारी हो जाएगा और 30 तारीख को आप लोगों का जो एग्जाम है वहां पे होने वाला है। तो जितने भी छात्रों ने यहाँ पे आवेदन किया था उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का जो एग्जाम का डेट है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। अभी जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है उसका भी डेट आप लोगों का जारी हो चुका है। आप एक बार जो है इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारा आप लोगों का जानकारी दिया गया है, एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों का बहुत सारा यहाँ पे जानकारी है, तो आप एक बार जो है इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी का जो पद था उसके लिए जो बहाली होने वाला है उसका एग्जाम डेट और उसका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होने वाला है उसका आप लोगों का डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इसी वेबसाइट पर यहाँ पे जो है फॉर एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अभी कमिंग सून है, 22 तारीख को आप लोग वहाँ पे लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लिक है, क्लिक करके आप अपना जो यहाँ पे एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाइएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।